हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयुर्वेद आचार्य। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैड ब्रेथ के बारे में, जिसको आप आम भाषा में सांसों की दुर्गंध या बदबू के नाम से जानते हैं। अब ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस क्यों है, जरा सोच के देखते हैं। सपोज आपकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव है, हाइट 6 फीट, मस्कुलर बॉडी विद 10% बॉडी फैट। आप अपने दोस्त की वेडिंग पार्टी में जाते हैं, जहां आपको आपकी लाइफ का कोई समवन स्पेशल मिल जाता है। आप उस इंसान से बात करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं, वो इंसान अपनी नाक पर हाथ रखता है और वहां से किसी बहाने से चला जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ये कंडीशन आपके बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग में ही सामने आए। आप एक कॉर्पोरेट पर्सन हो सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन देने से या क्लाइंट्स और फेलो कलीग से फेस टू फेस कन्वर्सेशन करने से बचता है, क्योंकि उसके सांसों से दुर्गंध या बदबू आती है। सवाल आता है क्या करें। तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके सॉल्यूशंस को हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। पहला इंस्टेंट सॉल्यूशन, जो आपके क्लाइंट्स और आपके समवन स्पेशल के सामने आपका इंप्रेशन खराब होने से बचाएगा, और दूसरा है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, जिसको अप्लाई करने के बाद आपको पहले सॉल्यूशन की शायद ही कभी दोबारा आवश्यकता पड़े। इसके बाद एक तीसरा सॉल्यूशन भी है। अब बोलेंगे पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी गिनाए दो और बता तीन रहे हो, छोरे थारी गणित कमजोर है के? नहीं भाई, मेरी गणित कमजोर नहीं है। ये थर्ड वाली रेमेडी तो एक बोनस है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इस वीडियो के अंत में, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। और अगर अभी तक आपने कपी फिट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। खैर, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ और उन रीजंस को समझने का प्रयास करते हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति को सांसों की दुर्गंध यानी बदबू का सामना करना पड़ता है। तो रीजन नंबर 1 है बैड डेंटल हाइजीन, रीजन नंबर 2 है फाउल ऑर्डर कॉजिंग फूड्स, और रीजन नंबर 3 है ड्राई माउथ। बात करेंगे एक एक करके तीनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रीजन नंबर 1 की, बैड डेंटल हाइजीन। हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले और सुबह मॉर्निंग में ब्रश और फ्लॉस जरूर करना चाहिए, और थोड़ा कायदे से करना चाहिए, लेकिन करते हम में से कितने हैं? और जब हम कायदे से ब्रशिंग और फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, तो इस कारण हमारे मुंह में बैक्टीरिया की एक लेयर बन जाती है, जिसको हम प्लाक के नाम से जानते हैं। जब ये प्लाक हमारे मुंह में जमने लगता है, तो इस कारण हमारे मुंह से दुर्गंध या फिर बदबू आने लगती है। इसके बाद बात आती है रीजन नंबर 2 की, यानी फाउल ऑर्डर कॉजिंग फूड्स। फाउल ऑर्डर कॉजिंग फूड्स, अब ये क्या चीज होती है? तो सीधे शब्दों में यदि समझाया जाए तो ये वो फूड्स होते हैं जिनका कंजम्पशन अगर कोई करता है तो उनके मुंह से तेज दुर्गंध आने लगती है, जैसे प्याज और लहसुन। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात आती है रीजन नंबर 3 की, यानी ड्राई माउथ। ड्राई माउथ का सीधा सा मतलब है मुंह का सूखापन। अब बोलेंगे ये कौन सी नई मुसीबत है, तो बताता हूँ ना भाई। होता क्या है, हम सभी के मुंह में सलाइवा बनता है, जिसको हम आम भाषा में थूक के नाम से जानते हैं। अब इस थूक का क्या काम होता है, तो भाई हमारे मुंह में बनने वाला ये थूक हमें हमारे मुंह के अंदर रहने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाता है। जब ये थूक हमारे मुंह में बनना कम हो जाता है, तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के कारण हमारे मुंह से दुर्गंध या बदबू आने लगती है। ये तो बात रही रीजंस की, अब वापस बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन की, ताकि आपका इंप्रेशन आपके समवन स्पेशल के सामने, आपके क्लाइंट्स के सामने और आपके फ्रेंड सर्कल में खराब ना हो। अपने मुंह से आती दुर्गंध को इंस्टेंटली कंट्रोल करने के लिए आप उन फूड्स के कंजम्पशन को सबसे पहले अवॉइड करें जिनको फाउल ऑर्डर कॉजिंग फूड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि प्याज और लहसुन। और जब भी कभी बाहर किसी से मिलने जाएं, तो हमेशा अपने साथ अपने पॉकेट में इलायची या लौंग रखें और समय समय पर इसका सेवन करते रहें। इससे आपकी प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद बात आती है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो 1 चम्मच सरसों के तेल में अगर आधा चम्मच नमक मिलाकर डेली बेसिस पर उससे दांतों और जीभ की सफाई की जाए, तो इससे आपके मुंह में दुर्गंध फैलाने वाले बैक्टीरिया नियंत्रित होते हैं और समय के साथ में आपको सांसों की दुर्गंध से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात आती है बोनस सॉल्यूशन की। बोनस सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो फिटकरी का पानी या फिर नीम का जूस या फिर आंवले के जूस को अगर आप माउथ वॉश की तरह डेली बेसिस पर यूज करेंगे, तो ऐसा करने से आपकी बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम समय के साथ कम होने लगेगी। इस वीडियो में हमने जाना सांसों की दुर्गंध के कारणों के बारे में और उनके निवारण के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।